इसको देखते हैं, सेल्स ऑर्डर पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई कस्टमर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज दैट कि हमारा कोई कस्टमर है, ये है, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और इस कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है कुछ, ठीक है, कुछ एफ जी आइटम मैं ले लेता हूँ। अब उस एफ जी आइटम का हमारा क्या होना चाहिए, बम बना होना चाहिए। अगर बम नहीं बना हुआ है तो फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं बम वाले स्क्रीन पे, देखते हैं कि हमारा बम किस एफ जी आइटम का बना हुआ है, उसी आइटम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली उस आइटम का बम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि ये है एक आइटम रिंग, इसका बम बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी आइटम को आपको दिखाने के लिए एमआरपी चलाता हूँ। ये रिंग मैंने उठा लिया, ठीक है, और इसका सेल्स ऑर्डर मेरे पास, इस रिंग का क्या हुआ है, कस्टमर से ऑर्डर आया है, ठीक है। ये कस्टमर है हमारा, उसने ऑर्डर दिया कितने पीस का, उसने दे दिया हमें 1000 पीस का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। और ये जो है मैंने इसमें 2000 पर पीस प्राइस ऐसे उसको कोट कर रखा है। तो ये सेल्स ऑर्डर ऐसा हमें आया है, फाइनल वो कंफर्मेशन दे दिया कि आप मुझे ये बना के दे दिए। इसने डिलीवरी डेट दे दिया है, वो दिया है 1000 पीस है, तो इसने दे दिया हमें अगस्त सितंबर, अगस्त तो ऑलमोस्ट क्लोज है, मैं अक्टूबर दे देता हूँ। उसने बोला कि 31 अक्टूबर तक आपको ये पीस मैंने डिलीवर करनी है, ठीक है। अब ये ऑर्डर मैं इसको बना दिया, इसको मैं एड कर देता हूँ, ये ऑर्डर बन गया हमारा। अब इस ऑर्डर के बेस पे हम एमआरपी चलाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर आया, अब इस ऑर्डर के बेस पे हम एमआरपी चलाएंगे, तो आते हैं यहाँ पे एमआरपी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद एमआरपी विजार्ड में जाएंगे, एमआरपी विजार्ड में आने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट सिनेरियो, ठीक है। अब ये सिनेरियो किसके लिए, सेल्स ऑर्डर के लिए है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स ऑर्डर, सेल्स ओ आर डी ऑर्डर, और इसी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आपका सिनेरियो का नाम मैं स्वयं ही डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था स्टार्ट डेट क्या होगा, आज से होगा, और फ्यूचर में का डेट हो सकता है, पास्ट का डेट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी आपका पीछे का डेट नहीं लेगा, जब भी लेगा क्या हो, तो आज का डेट या आज से आगे का डेट, तो मैं आज का डेट इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। और इंड कब हो रहा है हमारा, अक्टूबर 31 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे अक्टूबर लिया और मैंने इसको दे दिया 31, कितने महीने मंथ बाद चला रहे हैं हम, इसको मंथली डाल देते हैं, ठीक है। अब इस सब करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेल्स सिनेरियो कर देते हैं, सेल्स ऑर्डर ओआरडी है तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, ऑल आइटम मैंने सेलेक्ट करी, जितने भी आइटम थे उसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी कंसोलिडेटेड एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस इन्वेंट्री, तो आप यहाँ पे अगर वेयर हाउस वाले लेंगे तो वेयर हाउस वाइज आपको देगा डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे अगर आप कंपनी लेंगे तो क्या करना, कंसोलिडेटेड एग्जिस्टिंग जो पहले से इन्वेंट्री होगा, जो डिमांड होगी सप्लाई होगी उसके बेस पे भी, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सेल्स ऑर्डर बेस चलाना है तो हम इन सब को अनचेक कर देंगे, सिर्फ सेल्स ऑर्डर को हम चेक करने देंगे, इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्ट, ये जो आप देख रहे हैं सेल्स ऑर्डर, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट नंबर, कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर, जो सेल्स ऑर्डर था हमारा, सेल्स ऑर्डर क्या था, वो सेल्स ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, पहले मैं देख तो लूँ क्या था सेल्स ऑर्डर नंबर, आप लोगों को याद है किसी को, सेल्स ऑर्डर नंबर 5 था या 4 था, 4 है, 4 नंबर है, और इसका डेट है 31/8 है पोस्टिंग डेट एंड डिलीवरी डेट है 31, तो यही मैं लेता हूँ। यहाँ पे आया, विजार्ड पे आ गया, एमआरपी विजार्ड पे आया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था डॉक्यूमेंट नंबर से थे हम लोग, यहाँ पे आए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, ये पे थे इस पे, ठीक है। इस पे आने के बाद एक डॉक्यूमेंट में भी हम चले गए थे, डॉक्यूमेंट इसके लिए हमारा यहाँ खुला होगा, इस पे आएंगे, ये हमारा कितना है 4 नंबर है, तो हम यहाँ भी 4 डालेंगे, और यहाँ पे भी ये इस डेटा को हटाना है, पहले पहले इसको ये पहले से पहले इसको हटा देंगे, इस पे आप डॉक्यूमेंट नंबर 4 डालेंगे, देन 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप कोई एक पैरामीटर और डाल दीजिए, बीपी को नहीं भी डालना चाहते सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर से ले लेगा, आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आप सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि देखिए ये ऑर्डर नंबर, यही हमारा कस्टमर था, ये 31/10 का डिलीवरी डेट था, ये हमारा डॉक्यूमेंट डेट था, ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी था। आपको अगर चेक करना है कि रियली में यही था
या नहीं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको वही सेल्स ऑर्डर ओपन होकर आ जाएगा जो हमने सेल्स ऑर्डर बनाया था। ठीक है, तो ये सेल्स ऑर्डर था हमारा, ये था, ये टोटल क्वांटिटी है उसकी, टैक्स वगैरह लगा के, ये सारे डिटेल्स आपको वहां पे डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, ये आ गए। ठीक है, अब इसको करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप विजार्ड पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए ये रेस्ट्रिक्ट सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, रिकमेंडेशन में क्या करना है, परचेज रिक्वेस्ट बनाना है या परचेज ऑर्डर बनाना है। प्रोडक्शन ऑर्डर तो बनेगा ही बनेगा, एक तो प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा क्योंकि एफजी आइटम है, एसएफजी आइटम, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, जो आरएम मटेरियल उसका परचेज रिक्वेस्ट बनाएगा। अब यहाँ पे इन्वेंटरी में आएंगे, इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे। यहाँ पे फॉरकास्ट में कुछ नहीं लेना क्योंकि आपका सेल्स ऑर्डर बेस चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इन्वेंटरी लेवल में रिक्वायर्ड कर दीजिए। करने के बाद आप इसको रन कराइए, ये देखिए ये आ गया आपका, ये मटेरियल आपका बता रहा है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो बताया है कि अगस्त के नहीं अक्टूबर में कितने, ये आपको अब इसको देखते हैं हम एक्सपेंड करके, एक्सपेंड आप करेंगे तो ये बताएगा। देखिए अब क्या है, इनिशियल इन्वेंट्री लेवल इसके पास कितना है, ये है इसके पास 600 है, मतलब अगस्त में 600 है, हमने कितना 1000 का डिमांड है, हमारा कितना था 1000 का डिमांड है, तो ऑलरेडी क्या है हमारे पास अगस्त ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला, तो ये हमारा अगस्त में कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि आज क्या है 21 तारीख है और आपने इस पे अगर देखेंगे लीड टाइम वगैरह देखेंगे तो इतना ज्यादा है कि ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। इस पे आइए देखिए इस पे लीड टाइम कितना बचा हुआ है, हमने क्या दिया है 31 अक्टूबर तक टाइम दिया है, हमें डिलीवरी डेट 31 अक्टूबर तक है, तो उसी हिसाब से इसने प्लान किया, इसमें नहीं पड़ा हुआ लीड टाइम वगैरह, आप लीड टाइम वगैरह डालेंगे तो वो भी आपका कंसिडर करके लेके आएगा सिस्टम। ठीक है, तो अब हमारे पास अगस्त में ये हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटी बची हुई है, हमें कब डिलीवरी करना है, अक्टूबर में ये हमारे 1000 पीस करनी है, तो हमारे इन्वेंट्री में 600 पड़ा हुआ है, तो हमें अब कितना चाहिए, हमें 1400 पीस और बनाने होंगे। अब एज पर द बॉम अगर बिल ऑफ मटेरियल देखेंगे तो एक एफजी आइटम को बनाने के लिए हमें एक हमें ये आरएम चाहिए, तो 600 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 400 हमें और बनाने हैं, तो 400 का क्या कर दिया इसने, ये जो आप देख रहे हैं 400 आपका ये सप्लाई यानी कि ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 600 तो हमारे पास है और 400 हमें और रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो 400 का क्या होगा, ये आपका कौन सा मटेरियल है, ये आपका एफजी मटेरियल है, 400 का क्या होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाएगा। जो आरएम मटेरियल है इसका क्या कर देगा, ये 100 पीस रिक्वायर्ड है हमें, तो 100 पीस का क्या कर देगा, ये आपको परचेज रिक्वेस्ट बना के देगा जो मैंने सिनेरियो पे लिया था। ठीक है, ये एसएफजी आइटम है, एसएफजी आइटम हमारे पास कितना है, 299 ऑलरेडी स्टोर में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी डिमांड कितनी है, 400 डिमांड है, तो 101 क्या कर देगा, ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बना देगा। ठीक है, अब रही बात की कैसे पता चला ये जो चीजें आप बता रहे हैं, तो अब आप आइए इसमें रिकमेंडेशन में आइए। देखिए रिकमेंडेशन में क्या बोल रहा है, परचेज ऑर्डर कितने का, आप सॉरी प्रोडक्शन ऑर्डर 400 का, क्योंकि 600 ऑलरेडी हमारे स्टोर में है, तो 400 का इसमें आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बना देगा, तो आपका 600 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 1000 पीस हो जाएंगे। अच्छा, ये आपका जो क्वांटिटी है, जो आरएम मटेरियल है जितनी रिक्वायर्ड है उसमें 100 पीस कम है, तो 100 पीस का उसने क्या बना दिया, आपका परचेज रिक्वेस्ट बना दिया। ये क्या है, एसएफजी आइटम है, वो हमें 101 पीस कम है, तो 101 पीस का क्या कर देगा, ये हमें प्रोडक्शन ऑर्डर बना देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आएंगे यहाँ पे सेव करेंगे, सेव रिकमेंडेशन, इस रिकमेंडेशन को हम सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद कहाँ चलेंगे, हम इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट है, इसको फिनिश करेंगे। अब हमारा काम क्या है, जो हमें सिस्टम ने एमआरपी ने जो हमें रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है, उस रिकमेंडेशन के बेस पे हमें प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना है और हमें परचेज ऑर्डर परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर रिकमेंडेशन, अब पूछ रहा है कि आपका जो सिनेरियो था वो क्या था, तो सिनेरियो तो हमारा कुछ नहीं था क्योंकि हमने सिनेरियो बनाए थे सेल्स ऑर्डर, हाँ ये था सेल्स ओआरडी करके हमने सिनेरियो बनाए थे। अब पूछ रहा है कि ड्यू डेट क्या था, तो ड्यू डेट हमारा तो 31/10 था, यही था ना ड्यू डेट जो हमारा डिलीवरी का डेट था। ठीक है, तो ये हम डाल देते हैं 31/10। ठीक है, अच्छा रिलीज डेट कितना था यार, इसमें देखना पड़ेगा, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर इसको आप ऑल टाइप में करके प्रोडक्शन ऑर्डर
परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेस्ट, परचेज रिक्वेस्ट उठा लेता है, उसके बाद उसमें लिखते हैं ठीक है, देखते हैं इतना से लेता है या पूरा डेट मांगेगा, फिर कोई 31 मांगेगा ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा दिए, दो ये दो पैरामीटर को ले लेता है, फिर चेक कर देते हैं, ले लिए ये देखिए। तो ये आइटम था जो परचेज रिक्वेस्ट हमारा जनरेट हुआ था, तो ओनली परचेज वाला लिया। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए, एक आइटम परचेज रिक्वेस्ट था और दो आइटम का प्रोडक्शन ऑर्डर था, एसएफजी और एफजी आइटम का प्रोडक्शन ऑर्डर था और आरए मटेरियल का परचेज रिक्वेस्ट था, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको अपडेट कीजिए। अच्छा अब ये बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, नंबरिंग सीरीज बनाइए, किसका, जनरेट डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का परचेज रिक्वेस्ट का हमारा इसमें डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज नहीं बना हुआ है, तो ये हम बना देते हैं। इसकी आपको पेन नहीं लेनी है, सिस्टम में ऑलरेडी परचेज बना होता है, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा है, बीपी लोगों का ये डेटाबेस है, ये यूज नहीं हो रहा है इसीलिए इसमें नहीं है, जब यूज हो रहा था इनका तो इन लोगों का सब बना हुआ था, तो मैं अभी आप इस पर बना देता हूँ डॉक्यूमेंट नंबरिंग परचेज रिक्वेस्ट का बोल रहा है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं होता इस तरह से लिख के आ रहा है, समझ रहे कि उसका डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज नहीं बना हुआ है, तो आपको बनानी पड़ेगी तभी जाके बनेगा। तो परचेज रिक्वेस्ट, परचेज रिक्वेस्ट बोले तो यहाँ परचेज कोटेशन, परचेज ब्लैंकेट एग्रीमेंट, परचेज रिक्वेस्ट, ये चार बने डिफॉल्ट पे चल रहा है, जबकि हमें सीरीज लेना है 23 23। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे PRP ले लिया ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सीरीज ऐसे ही बनता है, आप लोग देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट सीरीज बनाने के लिए इसी तरह से चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम सफिक्स दे देंगे PRE ठीक है, प्लस यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया है, 23 24 सेशन है तो स्लैश 23 24 कर दिया मैंने ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड ये आ गया और फिर हम इसको कंपनी अलाउड कर देंगे, ब्रांच जो ब्रांच, इसको मैंने अपडेट किया, इसको अपडेट किया, इसको अपडेट किया, अब हमारा परचेज रिक्वेस्ट बन जाएगा। अब इसको करने के बाद हमारा जो परचेज रिकमेंडेशन का जो था ये हमारा ओपन था, अब इसको आप अपडेट कीजिए, देखिए आपका परचेज रिक्वेस्ट बन जाएगा, ये देखिए वन परचेज रिक्वेस्ट बाद क्रिएट। तो आपका जो परचेज रिक्वेस्ट प्रोडक्शन टीम ने परचेज रिक्वेस्ट बना दिया, अब ये परचेज रिक्वेस्ट किसके जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और परचेज डिपार्टमेंट क्या करे, इस रिक्वेस्ट के बेस पे आगे क्या कर देंगे, परचेज ऑर्डर बना के वेंडर को से कोटेशन वगैरह बना के फाइनल करके वो परचेज ऑर्डर जनरेट करके वेंडर को सेंड कर देगी, और उसके बाद ऐसा मटेरियल उसके पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया परचेज रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या था हमारा, परचेज प्रोडक्शन ऑर्डर था, तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर सेलेक्ट किए, देखिए सेल्स ऑर्डर वही सिनेरियो है हमारा, ये हमारा ड्यू डेट था, अब इसको ओके किया, ये देखिए आपका प्रोडक्शन ऑर्डर बन के आ गया, जिसका ये 400 जो आइटम था, लेकिन इसमें वो भी आना चाहिए था, SFG का नहीं आया है, ओनली आपका इसका आया है। चलिए पहले इसको बनाते हैं, इसको देखते हैं, अपडेट किया ठीक है, या SFG, ये देखिए वन प्रोडक्शन ऑर्डर वाज क्रिएटेड। अब SFG का क्यों नहीं आया, अब आप बताइए कि SFG का आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या रीजन था, ये देखिए हम SFG पे आए, अभी आपको रीजन पता चल रहा है। SFG का आने का प्लानिंग डेटा देखिए, प्लानिंग डेटा में MRP है, मेक है, फ्रॉम द बिल ऑफ मटेरियल है, एवरीथिंग ओके है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर मैनुअल है, इन्वेंट्री डेटा ठीक है। हाँ अब देखिए आपका SFG का प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे बनाएगा, जब तक कि इसका बॉम्ब नहीं बना होगा, तो आपने इसका बॉम्ब बनाया वो चेक कर लेते हैं कि अगर इसका बॉम्ब होगा तो ऑटोमेटिकली ये लेके आता, लेकिन इसका बॉम्ब ही अभी तक नहीं बना होगा। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हम ऐसे आइटम लेते हैं जिसके बॉम्ब बने हुए हैं, तो जो SFG हमने लिया है मैं अभी चेक कर लेता, अगर बना होगा तो आना चाहिए था, इसे देखिए बॉम्ब नहीं बने। तो जब हम बॉम्ब बनाएंगे तो जैसे FG का प्रोडक्शन ऑर्डर का आया भी उसी तरह से क्या आ जाएगा आपको, इसके भी जो SFG है उसके भी प्रोडक्शन ऑर्डर बन के आएंगे। तो आपके प्रोडक्शन ऑर्डर, एक प्रोडक्शन ऑर्डर बन गए, तो अब मैं चेक करता हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर को और परचेज रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे आते हैं, जो अभी हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर MRP ने जनरेट करके दिया है उसको चेक करते हैं। ये देखिए आपका यही रिंग था, 100 पीस, ये प्लान क्वांटिटी 100 पीस था, 100 पीस नहीं था, 400 पीस था, ये दूसरा है, एक मिनट अभी दिख जाएगा, ये है, ये 400 पीस है ना, ये देखिए 31 तारीख इसका
31/10, ऑर्डर डेट 21/8, ड्यू डेट 31/10, ठीक है। तो ये है आपका 400 जो अभी हमने, तो ये परचेज ऑर्डर बन गया प्लान स्टेट में। प्लान स्टेट में क्या करेंगे, जैसे ही रिलीज कर देंगे तो हमारा कहाँ चला जाएगा, ये इसी फर्दर प्रोडक्शन चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सेल्स, और अब आपको रिक्वेस्ट चेंज करा चेक कराता हूँ। जो हमारा परचेज रिक्वेस्ट बना है तो परचेज डिपार्टमेंट में आएंगे, परचेज में आके इसमें परचेज रिक्वेस्ट में जाएंगे और परचेज रिक्वेस्ट पे हम चेक करते हैं कि जो अभी हमने कमांड दिया था वो तो परचेज रिक्वेस्ट बना या नहीं बना। ये नहीं है, ये आर एम क्रिएट कितना है, ये भी नहीं है, ये आर एम 100 रिक्वायर्ड क्वांटिटी ये था ना, देखिए आज के डेट में ये 31/10 वाला ये है क्वांटिटी जो इसने परचेज रिक्वेस्ट बना दिया। अब इस परचेज रिक्वेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो आपका परचेज टीम होगी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से कोटेशन बनाया गया, फाइनली करके ये ऑर्डर इसी वेंडर को दे देगी कि ये मटेरियल हमें चाहिए और उसको वो डेट देगी कि हमें ये डेट पार्टिकुलर डेट है इसी डेट के पहले आना चाहिए, फिर मटेरियल आ जाएगा और फिर वो प्रोडक्शन कंटिन्यू। बताइए कुछ कहानी है।